मोहतरमा नशे में टल्ली है। नशा इतना कि मैडम सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को भी रोक दे रही हैं, गाड़ी चलाने वालों से बहस भी कर रही हैं। मैडम पर शराब का खुमार ऐसा चढ़ा कि वो किसी की भी सुन भी नहीं रही, केवल अपनी ही कर रही हैं। बीच सड़क पर इनके हंगामे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी जाम हो गया। कुछ लोग इस महिला को हटाने की कोशिश भी करने में जुटे, लेकिन महिला सड़क पर लेटकर आत्महत्या की धमकी भी देने लगी। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से महिला को सड़क से किनारे हटाया। बाद में पुलिस ने महिला को नशे की हालत में ही उसके घर पहुंचाया और आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। अमहिया सिरमौर मार्ग पर एक महिला जो है संभवतः नशे की हालत में जो है उत्पाद कर रही है और आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। उसकी स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए और कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल महिला सब इंस्पेक्टर किरण कामले के साथ स्टाफ को भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने जो है उस महिला को वहाँ से लेके और सुरक्षित घर पर पहुँचाया और घर वालों को समझाइश देकर जो है वहाँ पर छोड़ा। ये पूरी घटना रीवा के शिल्पी प्लाजा स्थित पुलिस चौकी के नजदीक हुई। महिला के हंगामे की वजह से घंटों जाम लगा रहा। फिलहाल महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। लोग महिला को लेकर कई तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।